नमस्कार, मैं हूं तो मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं शुद्ध, छायालब और संकीर्ण रागों के विषय में। ये शुद्ध रागे क्या होती हैं, संकीर्ण रागे क्या होती हैं और छायालब रागे क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप लोग सीधा सीधा समझिए कि शुद्ध रागे वो होती हैं जो आपके ठाट से जनित होती हैं और ठाट के नाम पे ही इन रागों का नाम होता है। जैसे ठाट भैरव, उससे जनित राग हो गई राग भैरव, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है और ठाट के नाम पे आधारित है। इसी प्रकार आप देखिए कि राग काफ़ी, ठाट काफ़ी से जनित है और ये भी पूर्णतः शुद्ध राग है। आपके पास 10 ठाट हैं और 10 ठाटों में 10 रागे जो बिल्कुल शुद्ध हैं, इन्हीं ठाटों के नाम पे उनके नाम भी आधारित हैं। उसके बाद आता है छायालग राग। छायालग राग कौन सी होती हैं? छायालग राग नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उसमें किसी दूसरी राग की छाया आती है। इसे हम सालग राग भी कहते हैं। सालग राग और छायालग ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो छायालग राग आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट ये है कि जिस राग में दूसरे राग की छाया आ जा रही है, जैसे आप राग भैरव गा रहे हैं उसी में आपने राग रामकली की छाया आ गई, तो वो छायालग राग हो जाएगी, क्योंकि भैरव ठाट से जनित हैं राग भैरव भी और राग रामकली भी। अगर आप राग भैरव गा रहे हैं तो आपको राग भैरव ही निभाना होगा, जैसे ही अगर उसमें रामकली की छाया आ गई तो वो छायालग राग बन जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है संकीर्ण राग। संकीर्ण राग क्या होती हैं? जो थोड़ी सी शुद्ध होती हैं और फिर उसमें छायालग राग यानी दूसरे रागों की छाया आने लग जाती है। इन दोनों चीज़ों के मिश्रण से जो राग उत्पन्न होती है, मतलब शुद्ध और छायालग दोनों एक साथ हैं, तो वो रागे संकीर्ण राग कहलाएंगे। जैसे राग पीलू थोड़ी सी शुद्ध चलती है फिर इसमें दूसरे रागों की छाया दिखने लग जाती हैं, और मिश्र काफ़ी, मिश्र खमाज जो मिश्रित रागे हैं जिनमें बहुत सी आपको अलग अलग रागों की छाया दिखती रहे, तो वो संकीर्ण राग होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।